मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। वंदा, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि कोई इलाका, कोई जगह, कोई शख्स कुछ भी मनहूस नहीं होता बेटा। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, तो फिर सब कुछ क्यों कर रही हो? अगर यकीन है तुम्हें तो फिर अपने लोगों से, अपने शहर से, अपने मुल्क से खौफजदा क्यों हो तुम? तो क्या जरूरी है उम्मे कि इंसान इस खौफ के साथ जिंदगी गुजारे, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसको अवेल भी कर सकते, फिर क्यों? लेकिन मुझे तो कोई खौफ नहीं ईशर, मुझे तो कोई भी खौफ नहीं। मुझे अपने खुदा की रहमतों पर पूरा पूरा यकीन है। ठीक है उम्मे। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर बहस क्यों कर रही हो? मैं आप भी ना। एक तो तुम मुझे सब लोग उम्मे क्यों कहते हो, हालांकि मैं तुम्हारी फूफू हूं, तो फूफू कहा करो ना। क्योंकि क्योंकि उम्मे जो है ना वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, एंड आई लव अरेबिक लैंग्वेज, और वैसे भी अरेबिक लैंग्वेज तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और रिच लैंग्वेज है। अब आपको बुरा तो नहीं लगता ना मेरे उम्मे कहना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों की जबान से ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। कितनी तेज हैं आप, मेरे जहन से निकल गया, मैं आपसे नाराज थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए शमन बेटा, आइए बैठिए। बाबा जान, आप इस तरह खड़े मत हुआ करें, बड़े बच्चों के लिए खड़े नहीं होते। शाफिन बेटा, आपको एक बुनियादी सा कानून समझा देता हूँ। देखो बेटा, जब बड़े बूढ़े बच्चों की इज्जत करते हैं तो फिर बच्चे भी बड़ों की इज्जत करते हैं, और सबसे बढ़कर मेरी नज़र में तो इंसान का अखलाक होता है, जो उसकी पहचान होता है। जब भी आपके पास आता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खैर खैरियत के लिए आया था। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए मुझे बहुत दुख है उस वाकये का, और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पर यकीन जानिए उस सारा मामला गलतफहमी की वजह से हुआ है। नहीं बाबा जान, आप प्लीज ऐसे मत कहें। इंस्पेक्टर साहब का आना, मुझसे पूछताछ करना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि यह हरकत की किसने। मैं तो खुदा का शुक्र है कि दाऊद महफूज था, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते थे। हाँ बेटा, अल्लाह पाक ने अपना कर्म कर दिया। बाबा जान, आप प्लीज़ फिक्र मत करें, मैं इस मामले में पुलिस की पूरी मदद करूँगा, जल्दी हमें मुजरिमों का पता चल जाएगा। देखो तो सही सुशील, कितना चलाक इंसान है, सारा कुछ करवा कर भी बाबा जान के पास बैठा। सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशल, enough is enough बेटा, try to behave। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं हैं, बहुत ही चालाक आदमी, आपके करीब रहकर आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे लिए आपसे और इस फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नियत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी।
बाबा जान आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। आप बहुत मासूम, बहुत सादा, और ये दुनिया बहुत चाहते हैं। बस इसलिए बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। बाबा जान प्लीज, आप मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कर। अगर हालात को देखा जाए तो मिसेस जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और जल्द ही मेरा मौला मेरी सच्चाई आप सबके सामने ले आएगा। बेटा, मैं तो चाहता था कि आप कुछ देर रुकते, यानी आपका अपना घर है, जब चाहें तशरीफ लेके आए। बाबा जान वो नहीं बेटा, हम वापस नहीं जा रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है। No more arguments, please. लेकिन आपने तो कहा, जब मैंने कहा ना वापस नहीं जा रहे और इस बारे में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। हाँ बेटा, मैं तो टिकट, फिर वही बात बेटा, हम वापस नहीं जा रहे, दैट्स फाइनल। माँ हुजूर, कहो। मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए थी। इजाजत? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुम्हें हमारी इजाजत की जरूरत पड़ गई? वो मेरा भाई है ना, वो कल यूके से आ रहा है, मैं उसे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पिछले 10 सालों में कभी एक बार भी उसने फोन नहीं किया तुम्हें, और तुम उसको मिलना चाहती हो? अम्मा, वो भाई है मेरा। क्या कर रही है तू? कम अकल, दबाओ यहां से। तुम नहीं जा सकती। अगर उसको बहन की परवाह हुई तो वो खुद आ जाएगा तुमसे मिलने। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुनो, कहां है हमारा लाडला, हमारा शहजादा? कब वापस आ रहा है? हमसे तो कभी उसने कोई बात नहीं की, हर बात तुम्ही को बताता है। जी अम्मा, वो बहुत जल्द आ रहा है। जा सकती हो तो। जी ठीक है। क्या सोच रही है? मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला अम्मा जान? यही कि मैं अपनी नवासी से जरूर मिलूंगी। अम्मा, ना वो हमें जानती है ना हम उसे जानते हैं,
तो आप क्या करेंगी उससे मिलके? जान जाएगी, मिलूंगी तो मैं जरूर। अपने पोते का हक जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझाना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी नस्लों में आज तक वट्टे सट्टे की शादियां होती आई? लेकिन अम्मा जान, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने फैसला कर लिया है कि ईशल की शादी मेरे पोते के साथ ही होगी, और ये मैं करके दिखाऊंगी। यानी हमें फिर बहन का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा? मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मौला रंग दे।